Good morning, students. We'll start with the topic transportation in India. Roads and transportation are not only used by men to transport goods from one place to another, but also to bring people nearer to each other. Roads and transport जो है सिर्फ लोग जो है use नहीं करते हैं goods transport के लिए एक जगह से दूसरे जगह, but people also bring the people near to each other. ये जो है लोगों को भी ये पास लाता है. It helps in promoting the unity of nation. ये मदद करता है कि जो लोगों में जो है unity जो है पूरे nation में जो है पूरा nation हमारा unite होना चाहिए. There are roadways, railways, airways and waterways in India. Along with them, ropeways are also used. Pipelines are also used to transport liquids. Now, first is roadways. Roadways are a unique feature of a nation and are equally beneficial. Roadways जो है हमारा एक unique characteristic है हमारे nation का and it is also beneficial. यहाँ पे देखो 5.8 में right side में village road बताया जा रहा है. यहाँ पे ये पिक्चर है विलेज रोड का. रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द विलेजेस. रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है विलेजेस को दिए जाती हैं. रोडवे ऑफ इंडिया इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड. Now there are types of roadways. First is village road. Village roads connects the village with the main city of taluka or district's main city. Village road जो है connect करता है villages को main cities से taluka, district and main cities. Second है district road. यहाँ पे right side उसका picture भी है. The district road connects the major region and cities with the taluka. डिस्ट्रिक्ट रोड जो है मेजर एरियाज और सिटीज़ जो है वो कनेक्ट करता है तालुका के साथ. उसके बाद है स्टेट हाईवे. यहाँ पे पिक्चर है 5.10 में राइट साइड. स्टेट हाईवे कनेक्ट्स द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. ये कनेक्ट करता है स्टेट के कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ से. नेशनल हाईवे 5.11 पिक्चर में दिया है. नेशनल हाईवे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे. इट कनेक्ट्स वन स्टेट विद अनदर. ये एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है. एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है. इट कनेक्ट्स मेन सिटी, पोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 50 नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवे नंबर 7, इट बिगिन द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी. ये बिगेस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का जो एक्सटेंड होता है वाराणसी से कन्याकुमारी. नेशनल हाईवे 35 नंबर. इट इज़ द शॉर्टेस्ट हाईवे. इट कनेक्ट्स टू कोलकाता टू बंगावन द सिटी नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश. नाउ हियर इज द कॉलम थिंग इन द फोटोग्राफ गिवन अबाउट द माइलस्टोन एट द टॉप कलर ग्रीन एंड येलो. वाई Now other is things to know. Dusra column. Golden Quadrilateral is under construction in India. It will join the metropolitan city like Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Its length would be 5,846 kilometers. There won't be any railway crossing, but 75 overbridges would be constructed. Second hai railway. Aap yahan pe picture dekh sakte hain 5.12 mein. Right side. Indian Railway is very important mode of transport. We all know that. Many people travel together at the same time. काफ़ी लोग एक time पे travel कर सकते हैं. Goods in bulk quantity can be transported together. और काफ़ी सारे goods जो हैं एक साथ हम bulk में ट्रांसपोर्ट के लिए भेज सकते हैं. ट्रैवलिंग हैज बिकम फास्टर टुडे. इंस्टेड ऑफ कोल डीजल और इलेक्ट्रिक इंजिन्स आर यूज. ट्रैवलिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एंड फास्टर जो है वे बन गया है. इंस्टेड ऑफ कोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी इंजिन्स सब यूज होते थे पहले के टाइम में ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन में. दीज आर मेट्रो रेल्स इन दिल्ली एंड कोलकाता. थर्ड वे इज waterway. In India, waterways are the most important and inexpensive mode of transportation. Waterways जो है एक
इम्पॉर्टेंट एंड इसमें कम खर्चा लगता है इस ट्रांसपोर्टेशन में. इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर पैरेलल रिवर, हैंस स्टीमर्स बोट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर. गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है वो पैरेलल है, सो इसके लिए वहाँ पे बोट्स स्टीमर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं पैसेंजर्स एंड गुड्स के लिए पूरे साल भर. इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेवलिंग फॉर प्लेजर कैन कैरिड आउट वाया द वाटरवेज. इंटरनेशनल ट्रेड जो है एंड ट्रेवलिंग जो है वो प्लेजर के लिए किए जाते हैं थ्रू द वाटरवेज. वन इज एयरवेज. इन द प्रेजेंट टाइम एयरवेज आर यूज टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. प्रेजेंट टाइम में एयरवेज जो है वो यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एंड उसके लिए बहुत ही कम टाइम लगता है. एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन्स. एयरपोर्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए बनाए गए ही हैं सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग, प्लेन उड़ाने के लिए एंड रोकने के लिए उनके लिए एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं. द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, थिरुवनंतपुरम. इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विस फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड एयर इंडिया प्रोवाइड्स द सर्विस फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अब इंडियन एयरलाइंस जो है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना एयर इंडिया प्लेन पे लिखा है, तो उसी तरह इंडियन एयरलाइंस का प्लेन है जो डोमेस्टिक ट्रैवल इंडिया के अंदर ही ट्रैवलिंग करने के लिए वो यूज़ होती है प्लेन, एंड एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल के लिए यूज़ होती है. अपार्ट फ्रॉम दीज प्राइवेट एयरलाइंस ऑल्सो फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल बाय एयर. इसके अलावा प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, वो भी वर्क करती हैं इस ट्रैवलिंग के लिए. इसके अलावा भी इन दोनों कंपनीज के अलावा भी दूसरे प्लेन्स चलते हैं. आज के टाइम में तो आपने काफ़ी सुने होंगे स्पाइसजेट, इंडिगो एंड सो ऑन. You can see the picture 15.5.14 Airways की. आप देख सकते हैं जो प्लेन है लैंड हुआ है. फिफ्थ वन इज रोपवेज. इन द माउंटेन रीजन वेयर रोड्स और रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, देन देयर आर रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड. माउंटेन रीजन्स में जहाँ पे उन एरिया में रोड और रेलवे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे रोपवेज जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. हेयर इज व्हाट आर द रोपवेज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात. Ropeways are constructed at Rajgir in Bihar and many places of Himalayas. Ropeways आप ये देख सकते हैं उसका picture 5.15 में. Okay, so we'll continue next class. Thank you students.